हमारी चुलबुली सुंबुल रहती फुल विदेशी स्टाइल में, पर ऑन स्क्रीन में दिखती सीधी साधी गांव की छोरी। वहीं ऑन स्क्रीन भले ही भारतीय नारी का किरदार निभाए, पर हमारी रश्मि देसाई है पूरी शहर की लड़की। विशाल आदित्य सिंह नाम में भले हो कूल डूड वाला स्वैग, पर अंदाज है पूरा देसी। वहीं बैंगलोर का छोरा फमान, स्टाइलिश बाइक्स का शौकीन, ये सब आज आ रहे हैं हाउसफुल के घर, जहां इन सब ने मारा थोड़ा देसी तो थोड़ा विदेशी तड़का। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल। एक मिनट, आप सभी का स्वागत है मनोरंजन की रात खचाखच में। है? मजा तो सिर्फ देसी में है। सस्ती भी होती है और चढ़ती भी बढ़िया है। हमें इसको समझाओ भाई, दारू की बात नहीं कर रहे हम। कैसी कैसी देसी टीम है यार यहाँ पे। अपना तो ठीक है यार, चलो वो दिख रहे हैं दो लोग हैं, हम चार लोग दिख रहे हैं। पुनीत भैया कौन सी टीम में हो भाई? मैं विदेशी हूँ। यो मिल भी रहे फेक तरीके से। हमारे यहाँ पता कैसे मिलता है भैया? ऐसा लग रहा मार कुटाई हो रही है। अरे भैया छुटके बिटिया कैसे है? We are proud of देसी guys। हाँ यार, और हम भी। अरे बहुत हो गया यार, तुम लोग का चल रहा है कब से देसी विदेशी देसी विदेशी। अगर करना है ना कॉम्पिटिशन, गेम में करते हैं। ओके मैं गेम खिलाऊंगा। देसी वर्सेस विदेशी चालू है तो उसी पे हमने गेम बनाया है। आपको मिलेगा ये पोछा जो नानी का है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। देसी जो लोग हैं वो साथ में रोटी लेके जाएंगे और जो विदेशी लोग हैं वो साथ में पिज्जा लेके जाएंगे। पिज्जा पिज्जा। तुम लोग बोलते कैसे हो? पिज्जा नहीं, हम बोलते सब्जी वाली रोटी। पिज्जा। मैं और हर्ष बहुत भूखे हैं तो देसी लोग हर्ष को खिलाएंगे और विदेशी लोग पुनीत को खाना खिलाएंगे। 3, 2, 1 एंड गो। रोटी ली? क्या बात है, रोटी ली क्या? तेज निशाना है इसका। कम ऑन रश्मि, तुम कर सकती हो। सुंबुल नहीं गए, खुश नहीं होने, खुश हो रही है सुंबुल। अमान अर्चना जो डाल दिया भाई, शर्म कर, चल डाल। यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या चुप रहो तुम। कमान कमान रश्मि,
इसके ऊपर अंदर से आना। बहुत आराम से ध्यान से डालना। चोकड़े में दम है, तुम्हारी वजह से मेरे चोकड़े में दम है, तुम हाथ से चोकड़ी। आराम से आप, अमान आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। टाइम अप। ये है एक रोटी। एक रोटी के सामने मेरा एक पिज्जा। ओके, तो ये मेरा भी रोटी, मेरा पिज्जा। यस, ये लीजिए, पिज्जा पे एक रोटी डालिए। यानी कि हमारे पास थी तीन रोटियां। तीन, चार, पांच, छह। ये सब पुनीत की वजह से हुआ। क्या किया है उन्होंने? पुनीत ने आगे ऐसे कट्टू कर दिया था। तुम्हारे हो खुद के बलबूते पे, मेरे पे मत डालो। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? जब मैं जा रही थी सीधा टांग वांग नहीं डाला था। एक सेकंड, पुनीत को बहाना चाहिए था तुम्हारे पास आने का, जो मिल गया। नहीं, मैंने भाई देखो, ये राउंड तो विदेशी जीती है। यस, आगे देखते हैं विदेशी और देसी का जो ये युद्ध चल रहा है ना, उसका रिजल्ट क्या आएगा। चलते हैं नेक्स्ट गेम में। और मैं बता दूं, ये नकली है रोटियां। हां, पिज्जा भी नकली है। हां, कमेंट में हमको गालियां मत देना, खाना वेस्ट करते हो। कोई खाना वेस्ट नहीं कर रहा। वैसे एक बात पता है, हम देसी लोग ना मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो हम विदेशी लोग क्या आसमान से जुड़े हुए होते हैं? जो देसी कर सकते हैं वो विदेशी भी कर सकते हैं, समझे? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। शॉर्ट में बटन लगाने आता है क्या? Of course. जो अच्छे खासे एपिसोड की वाट लगा सकती है वो शर्ट पे बटन नहीं लगा सकती क्या? तो अभी देखते हैं ना, सुम्बुल, अर्चना, रश्मि से कौन सबसे पहले बटन लगा के दिखाए। अरे हमारी लड़कियां दूसरी लड़कियों से कम है क्या? अरे हमारी एक विदेशी तुम दोनों देसी को हरा सकती है। ऐसे ऐसे कपल कपल में अपन करेंगे, जस्ट फ्रेंड्स विद जस्ट फ्रेंड्स, मैरिड विद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोस्त आ जाओ। दो बटन टाकने हैं एकदम कपल की तरह। 1 2 3 टाको। जीतने अर्चना जी, अच्छे से करना। अरे माँ कसम, क्या कर दी मैं? ये देखो कच्ची बन के आई है ये वहां से, ये हालत है इसकी। अरे बोला Sorry. था विदेशी लड़की से नहीं होगा भाई। My hands are very delicate, you know. जाले क्या, जाले क्या, जाले क्या? एक लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। तेरी क्या बात है यार?
चुपचाप टांगो। क्या कर रही है, जल्दी कर, मैं करूं। नैनू सुनो। क्या हुआ? मेरे लग गई। इसने बोला आ, तो पुनीत भाई बोलते क्या हुआ? मार रही है मुझे ये। तू भी को लग रहा है? हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं। अरे इसने मेरे इसके साथ टाक दिया। ओ नो। ओ ओ। क्या बात है? हो गया उधर पे, दो डाल दीजिए, भाग। तुम जीत गई हो और तुम्हारे जीत के इनाम में तुम्हें मिलते हैं पुनीत जी पाठक, ये तुम्हारे हुए। बटन कैसे लग गए? कभी ना कभी तो आपके बटन टूटे होंगे, इसने लगाए होंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम हाँ भी बोलते हो, बतख जैसा मुंह बना के हैं। बटन के गेम में इनका टाका भिड़ गया है। मैं बोल रहा हूँ टॉर्चर टाइम, ऐसे ऐसे करके टॉर्चर टाइम गेम के लिए। एक सेकंड यार। सॉरी। साइड हटो। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। इट्स चार्ज। तो बात हो गई है, देखो अश भैया। हाँ। रवि किशन भैया तैयार हो गए, मान गए आने के लिए। अरे भैया क्या बात है, आई कांट बिलीव दिस कि रवि भैया आ रहे हैं। नहीं वो तो इनका फोन भी नहीं उठाते ना। परिवार वाला मैटर है हमारा, दोस्ती ऐसी है ना परिवार वाले जैसे, समझे? एक फोन करता हूँ ना भागे चले जाते हैं वो। यहाँ बात कर रहे हो आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा ना, देखना आएंगे ना यहाँ पे तो भोजपुरी में कमेंट्री भी कर देंगे। भोजपुरी में इस गेम की कमेंट्री बिना किसी सवाल किए हुए। क्या बात है, इतना गद्दा और भद्दा सब एक साथ कमाल है। प्रणाम रवि भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया के, क्या हाल चाल? कौन है ये? अरे कौन है ये जो मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है? देखो हमारे पास सारे स्टाफ है, बॉय है, हेयर है, मेकअप है, ड्राइवर है, सॉरी नो वैकेंसी। लेकिन आपको तो इसी ने बुलाया। अरे जिसको कोई अपने घर में नहीं बुलाता वो हमें क्या बुलाया। अरे इनके साथ आपने बहुत सारी फिल्में की है। अरे रश्मि जी, अरे मैंने इनके साथ न जाने कितनी फिल्में मना की है। क्यों, क्यों, क्यों? अरे आर्टिस्ट लोग है, डेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है बेचारे। अच्छा? का 30 के 30 दिन खाली होता है, कंफ्यूज कि कौन सा डेट दूं कौन सा नहीं। सॉरी सॉरी। अरे क्या क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अरे इसको तो मेरे नजारे कितने सारे भोजपुरी फिल्में ऑफर की, ये करते ही नहीं। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं करती? लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। नहीं लैंग्वेज का नहीं, एक्टिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन चलो एक्टिंग वैक्टिंग तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अच्छा मुंह कहाँ से लाऊं? अच्छा मुंह नहीं है मेरा। अरे इसको अगर फिल्म में ले लिया तो फिल्म बड़ी अजीब लगेगी। निरहुआ के अपोजिट निरहुआ खड़ा, कितना खराब लगेगा। सही 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 सही। मुझे बोलना था कि मुझे भी फिल्म करनी है। अरे क्यों नहीं, अरे तुमको तो फिल्म मिलेगी, तुम रफा रफ लाइन भूलती हो। अगर ये फिल्म होगी तो नाम क्या होगा? हीरो बैठा गाड़ी में, भौजी भागी झाड़ी में। मुझे नहीं करनी है ये सब फिल्में। अरे तो तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी तुम्हारा गाड़ी का रोल है। हेडलाइट जैसा मुंह लेके हीरोइन थोड़ी लॉन्च करो। मेरा हीरो सिर्फ और सिर्फ रश्मि ही होगा। हीरो हम करण अर्जुन का सिक्वल बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कमरे में जाएंगे तभी करण अर्जुन आएंगे। एक और फिल्म बाबू, बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाला है। कमाल के हाल से फिल्म बहुत बढ़िया,
साड़ी पहन के सस्ती साली करती है मस्ती। एक मिनट के हो सकता है फिजूल का पैसा खर्चना पुनीत वेट अर्चना। विशाल भाई आप तो बोल रहे थे कमेंट्री करेंगे तो बेइज्जती में कमेंट्री कर रहे हैं हमारी। कर देंगे भैया। तूने सोच भी कैसी लगी तेरे कहने पे मैं कमेंट्री करूंगा। किसके कहने पे करोगे? रवि जी तुमने कुछ कहा मुझसे रश्मि? हाँ क्या? करो ना कमेंट्री। कमेंट्री? yeah. अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गेम शुरू करो। किसी ने कुछ कहा है? मैं कमेंट्री करूंगा। माइक कहाँ है? मैंने पूछ रहा हूँ माइक कहाँ है। पुनीत भाई गेम बता दो। बड़ा सिंपल सा गेम है। ये ब्रिज दिख रहा है आपको, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है बाल्टियां भर के, और यहाँ पे जो बड़ा बाल्टी रहेगा वहां पे आपको पानी डालना है। आपको मिलेंगे 5 मिनट और जिस टीम ने सबसे ज्यादा पानी भरा वो होगी विनर। चलो गेम स्टार्ट करते इसी बात पे। 3, 2, 1 गो। और बाबू खेला शुरू हो गया है। हमारी प्यारी सी भाभी पनघट से पानी लेके कदमों का इस्तेमाल करते हुए मजा अद्भुत खेला। नीचे से लाते पड़ते हुए लेकिन चिंतित ना हो। क्या वो बड़ा डांस स्पॉइल हो गए बेचारे। ए सुनो मुझे ऊपर चढ़ने दो। सुनो इसका मत सुनना। अरे खड़ी हो जाओ। क्या बात है। हंसी का पात्र हो गई बेचारी। अब फमान दिखाएंगे अपना सामान। हमने अंदर 3 भैया भौजी की जोड़ी बंद की हुई है। अरे कैसे जाए? बहाने नहीं चलेंगे। डू इट। लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे जिंदगी में भी और गेम में भी। और ये फमान ने उछाल लगाई और बेचारे का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अद्भुत खेला खिला रहे यहाँ पर। खा के लिट्टी चोखा सबको दिया चौका। हाँ खेलो खेलो लक्ष्मी बेबी बेबी। अरे अरे क्या बात है। उछा के फेंक दिया। अब फमान फमान का सामान टूटते टूटते रह गया। और ये स्लिप करते बहुत बढ़िया। बाबू तुम ही हो असली हकदार मेरे चाटे की। ओ, और ये रश्मि भौजी कमाल का कदमों का इस्तेमाल करते हुए फिसलते हुए लेकिन अपने बाल्टी को पार कर दिया। फमान ने कमान संभाली और इसी के साथ राउंड। और ये ओवर रिएक्शन और बड़ी कठिनाइयों के बाद रश्मि ने कदम रखा और गिरी धार से। बिचारी धाराशाही हो गई बाउंड्री के बाहर। जा रश्मि ए बाल्टी नहीं बाल्टी चाहिए। बाल्टी आ जाएगा बाल्टी बाल्टी डालो। अरे मुंह के बल गिरी। थोड़ा थोड़ा मूड ठीक होता हुआ। अरे भैया। 10, 9, 8 थाली रश्मि जाएगी। रश्मि एक बार ये फट गया फट गया फट गया फट गया फट गया। दोस्तों बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि जो हमारा गेम था
वो फट चुका है। लेकिन ये फटा कैसे यार? तुम लोग के पीछे कोई ब्लेड लगी हुई है कैसे वो? और वो फटा नहीं है, कटा है बाकायदा, कटा है। कैसे काटा? कहाँ ब्लेड छुपा के लाए थे? मैं बोल नहीं सकता। प्लस मेरे मम्मी पापा पे बैठे हैं। कहाँ पे मम्मी पापा? अरे ओ फामार के मम्मी पापा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेहमान के मम्मी और पापा के लिए। तालियां तालियां। बचपन में जो फमान को जो मैंने खिलाया था वो अभी देख रहे हम लोग काम आ रहा है। लेकिन आंटी जी, अगर कोई इंसान शादीशुदा हो और कोई और लड़की पे अगर, और अच्छा आपको पता है जब भी मैं ये बात निकलेगी ना ये शर्माती है। अच्छा क्यों? अरे शर्माती नहीं है, इसका मुंह ही वैसा है। झूठ है ये। पता नहीं बाबा क्या आजकल भरोसा करने को नहीं है, होता फिर किसी सही बात है, सही बात है। जमाना ऐसा है। अरे पर मेरे चेहरे से लगता है ऐसे करूंगा मैं एक्चुअली हैप्पीली मैरिड हूं। मैं आपको देख रही हूं गौर से कि क्या हो रहा, देखेंगे। चेहरे से कोई नहीं पता। चल जा खड़ी रह जा साथ में, आ गई वापस। आ गई। चल जा। मैं तो अंदर ले रहा हूं। गले क्यों लग रही हो? फमान की शादी कब होगी? देखो मैं वही इंतजार में, बस मेरी उम्र घटते जा रही है मगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। करनी तो चाहिए। आपको कैसी बहू चाहिए? अरे अरे हंसी छूट गई। ऐसी तो बिल्कुल नहीं। नहीं एक्चुअली क्या है अंकल आंटी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कैसी होनी चाहिए फमान की धर्म पत्नी? आप सब मिलके सेलेक्ट कर लो ना, हम लोगों को क्या पता। हम सब मिलके सेलेक्ट करें। बताओ कौन है? नहीं नहीं आज खुलासा होगा। ये लड़की पसंद है आपको? ए? ए? वड़ा पाव नहीं पसंद, कोई बात नहीं। ये शंबुल, शंबुल कैसी लगती है? हेडलाइट। और ये ऐसी तो नहीं चाहिए, ऐसी नहीं। उसको मेरी आवाज ही नहीं सुनना आएगी। एक बार ऐसे ऐसे कर। अच्छा एक बार चिल्ला के बोलना ये बात। एक बार ना दिल से जोर से ऐसे कर दे। मैं बोल रही हूँ। अच्छा तो बहुत अच्छी है मगर आवाज से हार गई बस। ओ बिंगो इमोशनल डैमेज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेहमान के मम्मी और पापा के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कहां से लाया विशाल? अरे एक और सेटअप था, उसका खराब हो गया, उसका ये बेल्ट था। देखो ये बनियान इसीलिए मैंने, ये सिर्फ मैं पहन के आया था। अच्छा ये देसी आदमी की बात होती है, कोई कपड़े अपड़े का टेंशन नहीं, जो है वो आ गया क्योंकि दिल से देसी आदमी। हाँ और दिमाग का क्या, जैसे अर्चना का? मैंने क्या किया? वही तो, कुछ किया ही नहीं तुमने जब से आए हो। I can't believe it. देसी विदेशी डाइवोर्सी। हैं क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या, इधर अर्चना के साथ डांस वांस करता रहता, पक्का एक दिन डाइवोर्सी बनेगा तू। Oh my God, इतना लंबा आदमी, इतना लंबा आदमी। Okay okay, relax relax, क्या करना चाहेंगे आप इनके साथ? तुमको पता है ये तो मेरे सपनों का घोड़ा है। अबे सपनों का राजकुमार होता है? नहीं नहीं, मैंने राजकुमार देखा हुआ है, वो ऐसे ही घोड़े पे बैठ के आते हैं। Oh my God, I can't believe it. Hi baby. ये यहाँ क्या कर रहे? इसको तो यूके में होना चाहिए। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, फॉरेन? नो नो, यूके उधर किधर चाहे जिधर, लेकिन इधर नहीं होनी चाहिए। अरे I can't believe Pitbull. अरे सुम्बल, 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 सुम्बल. Sorry, 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 sorry. सुम्बल. हाँ. Oh my God, गांव की घोड़ी. इतनी घोड़ी नहीं है यार. नहीं मैंने बोला गांव की घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी. इसकी आवाज सुनिए. अरे ये सब छोड़ो. नहीं छोड़ो, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? विदेश से यहाँ पे देसी लड़के के साथ शादी मनाने आया है। देसी लड़का? लेकिन आपको देसी लड़का क्यों चाहिए? अरे क्या बचाऊ मैं, हमारे उधर किसी को भी शादी में कोई अहमियत ही नहीं, सब उधर से बदल चुका है। इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, आपको पता है यहाँ तक मेरे पापा का चक्कर मेरी मौसी के साथ। What? यहाँ चक्की
मेरे चाची का चक्कर मेरे बड़े वाले छाया के साथ। क्या 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 बोले जा रही है? अरे मुझे याद आ गया, इसको तो मैंने बिग ब्लाउज में देखा है। बिग ब्लाउज नहीं, बिग बॉस। बिग ब्लाउज नहीं, नो नो, सच में मैंने इसको बिग ब्लाउज में देखा। भोजपुरी पिक्चर में बिग ब्लाउज पहन के ऐसे से डांस कर रहा है। सच में निरहुआ से गंदी गंदी हरकतें कर रहा था ये। अरे रश्मि, मुझे देशी लड़का मिल ही नहीं रहा है। हाँ। आपने इतने सारे शोज घर बैठ के देखे हैं। तो बताओ ना, कोई देशी लड़का हो जो आपकी नजर में। आज से विशाल भाई आपकी हुई। अरे तेरी जान भाई, सीधा चिपक गई। हम संस्कारी घर से हैं, इसलिए हमारा एक शर्त है। कैसा कैसा शर्त? शादी से पहले हम सुहागरात मनाएंगे। पागल है क्या? पागल हो गए? अरे लो भाई, ये लो सुहागरात। ये लो। रुको रुको, मैं सजाऊंगी। खुद की सेज तुम ही सजाओगे? तो निकलना इधर से। इतना चिपक चिपक के डांस किया इसने, आज मुझे मालूम चल गया ये सिर्फ नाम का विशाल है, किसी काम का नहीं। भाई विशाल। हे बेबी, हाउ आर यू? क्या तुम तैयार हो? वो इधर आ। तेरे को मजा आता नहीं सब करने में? नो, सच्ची बता। कसम से, सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। छी पुनीत भाई, ओ माय गॉड, कपड़े उतार दिए उस लड़की को। छी पुनीत, सॉरी गाइस, मैं पकड़ी गई। जी हाँ, चल जा। काला मुंह करा लिया, चल निकल। देखो गाइस, मुझे खचिया मिल गया। अब बस कोई अच्छा से पति मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये लो, ये तुम खाओ, तुम्हारे लिए। ये लो, बड़ा तुम्हारे। It's a touch of time. इस गेम में विदेशी टीम को सर पर हाथ पर मटके लेकर कैटवॉक करनी है, लेकिन कैटवॉक करनी होगी वॉल के ऊपर। ये हिलाना मत कोई भी।
चलो कोई बात नहीं, मैं मालिश कर दूंगी। सर की, सर की, सर की। मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ, मटका और ये गेम रुकेगा नहीं। कंट्रोल। एक मिनट पुनीत भाई, गेम में हार जीत चलती रहती है, मामूली से गेम के लिए आप अपनी पुश्तें खराब नहीं कर सकते। बस हो गया। कंधा गिरा भाई। अरे ओ बबुआ, तुम करते रहो, तुम्हारा चालू रखो। देखो लेटे हुए हैं, कोई बात नहीं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चोटों से हमारा शो रुकता नहीं है। ये एक टीम गेम होने वाला है, आपको हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं और आपको जवाब देने हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके ऊपर होगी कुछ चीजों की बारिश, और अगर आपने सही जवाब दिया तो सामने वाले के ऊपर होने वाली है बारिश। करेक्ट। और एक तरफ है मेरे देसी और दूसरी तरफ है चाचू के विदेशी। चाचू तो सबसे पहले तो सुम्बुल वर्सेस फामान। सुम्बुल, पहला सवाल आपसे। okay. पहेली है। पहेली? ऐसा क्या है जो फ्रिज में रहने के बावजूद भी गरम रहता है? गरम मसाला। ओके, देखते हैं कि सही है कि गलत। पार्टी बॉयज कहाँ हो? 3, 2, 1 डालो। बैठ जाइए। सही जवाब उसने दिया, मेरी नहीं गलती। मिस्टर फमान, प्लीज सिट डाउन। चलो नेक्स्ट सवाल फमान से। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कसम, अरे माँ कसम। सुम्बुल को पता है ना? क्या मजाक कर रहे हैं? I think जवाहरलाल नेहरू। ओके। प्रेसिडेंट पूछा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा। पीछे आ जाओ आप लोग। हाँ डालो डालो, बहुत बढ़िया। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना आंखों के रोता है? ये कोई जानवर है? चलो मैं बोल दूं, जानवर नहीं है, इतना मैं हिंट दे देता। कैसे उड़ेगा जानवर होगा? बादल। आ जाओ बाटली बॉयज। This is too good, sorry. अच्छा बैठ जा चल। यार सुम्बुल अभी तक सब सही जा रहा है तेरा। सुम्बुल ध्यान से सुनना, एक गाने का प्रिल्यूड बजेगा, यानी कि खाली म्यूजिक बजेगा। अरे माँ कसम, मैं अकेले काई को? फामान को भी पूछेंगे, तो म्यूजिक से आपको जानना है और गाने का नाम बताना है। अरे ठीक यार, है? ओके। 3, 2, 1 गाना बजाओ। तुम बोल, सोच। Okay. ये क्या? कुछ नहीं होता है। अरे वो एक दो तीन, एट, एक दो तीन, नाइन, हाँ, एक, टेन। ये गाना, एक दो तीन बोला है गाना, देखते सही है कि गलत। भाई मत कर, मत मत कर, मत कर भाई, मत 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 कर, गले मत कर। भाई ये कौन सा इंसाफ है? मेरे कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, बीच में भी, और आप लोग इस पे पंख डाल रहे हो, फेदर डाल रहे हो यार। चलो इस बार एक तो आइस ले आते किसी के ऊपर। अच्छा फामान के हिसाब से फेयर नहीं हो रहा है, तो ठीक है दोनों निकल जाओ, अब इनकी बारी। आ जाओ आ जाओ, बस बस आ जाओ। पहला सवाल रश्मि के लिए,
प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? ये सवाल आप ऐसा पूछ रहे हो या नहीं? कि ये इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? उत्तरण। अच्छा उत्तरण। टिक टिक। बहुत सिंपल है, दिमाग लगा। टिक। नहीं। मेरे को नहीं पता। टिक टिक। अर्चना। मैं क्यों लफड़े में पढूं? मुझे क्या पता? अरे भैया उठ जा उठ जा। जवाब है उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। नॉर्थ। नॉर्थ। अर्चना यू आर स्मार्ट। इंग्लिश में पूछ रहे थे वो। उत्तर एक दिशा है। तुम लफड़े में अगर पड़ जाती तो हमारे सामने अकलमंद साबित होती, लेकिन शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है। अभी तुमको पूछते हैं। मेरे पास गला है पर सिर नहीं, मेरी बाजू है पर हाथ नहीं, बताइए मैं कौन हूँ? बताइए मैं कौन हूँ? टिक टिक। वन। अरे रुको तो जाओ थोड़ा सा। टू। टिक। पास गला है सर नहीं, टिक बाजू है पर हाथ नहीं, ये तो बता दो जानवर है क्या है? नहीं जानवर नहीं है। टिक टिक। टेन। खरगोश। ओह वेरी नाइस। माय गॉड, लास्ट सेकंड ऑफ गलत है। बाल्टी बॉयज आ जाओ। सही जवाब है शर्ट। ए, तेरे को ऐसी कौन सी ठंड लगती है? बहुत ठंड लगती है भाई। रेडी, अगला सवाल रश्मि के लिए। गोल गोल है मेरी काया, हर नारी का रूप है बढ़ाया, कांच है मेरे अंग अंग में, ओहो, बता मैं मिलती हूँ हर रंग में। ओह माय गॉड। टिक टिक। ए, रुक, सोचने दे। मुझे पता है, मुझे पता है। अर्चना को पता है। चूड़ी। चलो ठीक है, डन। चूड़ी। लो। मैं बताऊँ? हाँ। हाँ बोलो। बिंदी। आ जाओ बाल्टी बॉयज। इसका मतलब चूड़ी सही जवाब था रश्मि। कैसी कैसी कांप रही है, बारिश में कौवी कांपती है ना, हाय कप कपाती बुढ़िया लग रही है ये, वो झाड़ू पे बैठने वाली डायन नहीं होती। अरे ये तो बहुत ठंडा हो गया, कैसे करूं? चलो अगला सवाल, हम एक ट्यून बजाएंगे और इस ट्वीन लड़की ने गेस करना है कि वो कौन सा गाना है। बजाओ। हाय हाय हाय। अरे बस करो, पूरा गाना बजा दोगे क्या? टिक टिक। कोई किससे बात कर रही है क्या नीचे? नहीं मैं सोच रही हूँ गाना पूरी ट्यून तो कर लूँ। पूरी ट्यून तो कर ले, क्योंकि लिरिक्स तो भूलने ही वाली है। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक। अरे यार डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज। टिक टिक सेवन, टिक टिक। यार ये तो पता है राजेश खन्ना है इसमें, बताओ। तो हम क्या करें? चलो एक और हिंट देता हूँ, राजेश खन्ना सर के साथ शर्मिला टैगोर जी। हाँ वो तो मुझे पता ही है कौन है। हाँ तो आगे बोलो। यार गाना नहीं पता चला। गाना। टना ना टना ना टना। हाय हाय हाय। मेरे सपनों की रानी का बहुत है। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना जी का बहुत सारे गाने थे। चलो हो गया, टाइम नहीं है। ओके हम आइए हमारे बाल्टी बॉयज। Ha 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 ha!
आजा आजा।